This video is sponsored by Extra Edge Fitness. ज्येष्ठ क्रीडा पत्रकार सुनंदन लेले यांनी ट्विटरवर पोस्ट केलेला मँचेस्टर येथील रेस्टॉरंटमधील एका खुर्चीचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे आणि त्या खुर्चीच्या पाठीमागे लिहिलेले बाळू लोखंडे सावळज असे नाव आज सर्वांच्या तोंडी गाजत आहे। मराठी माणसाचा व्यवसाय आता समुद्रापार गेल्याची निशाणी जणू या व्हिडिओतून समोर येताना दिसत आहे। सावळज हे सांगली जिल्ह्यातील ताजगाव तालुक्यातील एक प्रमुख बाजारपेठेचे गाव आहे। आज सोशल मीडियावर हे गाव आणि बाळू लोखंडे यांचे नाव सध्या अत्यंत चर्चेत आले आहे। सुनंदन लेले यांना मँचेस्टर येथील एका रेस्टॉरंट बाहेर एका खुर्चीवर हे नाव दिसले आणि त्यांनी त्या खुर्चीचा व्हिडिओ बनवून तो ट्विटरवर टाकून मँचेस्टरमध्ये मराठी नाव पाहून आश्चर्य वाटल्याचे कॅप्शन टाकले आणि बघता बघता हा व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल झाला। बाळू लोखंडे यांना असंख्य फोन येऊ लागले आणि त्यांनाही आपली खुर्ची साता समुद्रापार पोहोचल्याचा सार्थ अभिमान वाटला। बाळू लोखंडे हे सावळज येथील एका प्रसिद्ध मंडप आणि कॅटरिंग व्यावसायिक आहे। गेल्या 20 वर्षापासून ते हा व्यवसाय करीत आहे। व्यवसायाची गरज म्हणून 15 वर्षांपूर्वी त्यांनी वजनाने जड असल्याने तसेच वाहतुकीसाठी अडचणीची वाटणाऱ्या या लोखंडी खुर्च्या भंगारात विकून टाकल्या आणि नवीन आकर्षक प्लास्टिकच्या खुर्च्या घेतल्या। त्या जुन्या लोखंडी खुर्च्यांपैकी कोणीतरी या खुर्च्या मँचेस्टरला पाठवल्या आणि त्यातीलच ही एक खुर्ची असावी असा या खुर्चीचा प्रवास बाळू लोखंडे यांनी सांगितलाय। पण हे काहीही असले तरी सावळज सारख्या छोट्याशा गावातील मंडप व्यावसायिक आणि त्यांच्या या खुर्चीचा प्रवास नक्कीच अभिमानास्पद आहे। नमस्कार, मी बाळू लोखंडे, सावळज, तालुका तासगाव, जिल्हा सांगली। माझा एक मंडप व्यवसाय आहे, फार जुना आहे। कालपासून जी मी मीडियावर बघत आहे व्हिडिओ, ते खुर्ची पाहून मला एकदम समाधान झालेलं आहे, कारण ही खुर्ची 15 वर्षापूर्वीची आहे, माझ्यापासून माझ्याजवळून गेलेली। ती खुर्ची इंग्लंडमध्ये बघायला मिळाली आणि ते म्हणजे ती लेले साहेबांच्यामुळे निवड हे झालेलं आहे। लेले साहेबांचा मला फोनसुद्धा आला ह्या खुर्चीबद्दल। आज एक पावणे एकच्या दरम्यान फोन आला। लेले साहेब माझ्याशी स्वतःहून बोलले, ही खुर्ची तुमची आहे इथे। ती खुर्ची बघून मला फार आनंद झाला। माझ्या धंद्याची मला जुनी आठवण फार आली। मैं डॉक्टर मुरली हूँ, मैं और एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैं होप हॉस्पिटल और आयुष्मान हॉस्पिटल नागपुर का ओनर हूँ। मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से पास आउट हुआ हूँ। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर अभी 75 ईयर्स कंप्लीट कर रहा है, तो 2 अक्टूबर को इसको सेलिब्रेट करने के लिए हमने एक बड़ा इवेंट रखा है। ये इवेंट में हमने जो जी एम्स नागपुर से पास आउट हुए हैं और उनमें से जो डीन बने हैं अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में, उनको हम एक साथ ला रहे हैं एक प्लेटफॉर्म में, और ये लाइव रहेगा 8 प्लेटफॉर्म्स में। यानी ये लाइव रहेगा यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, 3 चैनल्स में, 3 टीवी चैनल्स में, और अलग अलग लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। अब ये इवेंट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने एक कॉम्पिटिशन भी रखा है, जिसमें आप लोग जो डॉक्टर्स हैं, एलुमिने हैं और ऑडियंस हैं, आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ये डीन्स को, और इनमें से जो सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसको हम एक प्राइज़ भी देने वाले हैं। और इसमें से जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो हर एक बैच से जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जो भी फर्स्ट पार्टिसिपेट करेगा या जो फर्स्ट रजिस्टर करेगा, तो उनके लिए भी प्राइजेस रखे हैं। ऐसे अलग अलग कॉम्पिटिशन्स हैं। तो 2 अक्टूबर 7 o'clock आप ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। ये लिंक्स हम आपको शेयर करेंगे, आप वो लिंक क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। अभी रजिस्टर करिए और 2 अक्टूबर को हमारे साथ आप इवेंट में पार्टिसिपेट करिए। जो ये 2 अक्टूबर को जो लाइव इवेंट हम कंडक्ट कर रहे हैं, इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2000 डॉक्टर्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं। हाँ, तो ये जो 2000 डॉक्टर्स हैं, इनके लिए हमने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स रखे हैं और ये कॉम्पिटिशन में आपको एक क्वेश्चन पूछना अपने फेवरेट ड्रीम को। जैसे आप पूछ सकते हैं कि आपके टेन्योर में आपने पॉलिटिशियंस को कैसे हैंडल किया, या आप पूछ सकते हैं कि आपके टेन्योर में आपने ऐसा कौन से चैलेंजेस आपने देखे। और जैसे बहुत सारे डीन्स हैं जिनको कोविड को फाइट करने का एक्सपीरियंस है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं यदि थर्ड वेव आता है तो वो एक्सपीरियंस शेयर करिए। तो दोस्तों, आप रजिस्टर करिए और वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग सा सवाल आपके अपने फेवरेट डीन को पूछिए। और ज़रूर 2 अक्टूबर को शाम को 7 बजे आप ज्वाइन करिए। ये लाइव इवेंट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट होने वाला है डॉक्टर्स के लिए।